चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम तो बनाए गए, लेकिन पार्टी और सरकार को अपने इशारे पर नचाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू हर कदम पर उनसे आगे ही दिखे और चन्नी को मात दर मात झेलनी पड़ी। सिद्धू की वजह से हालात ये हो गए कि चन्नी के घर ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार तक दूर होते चले गए। एक भाई के बीजेपी ज्वाइन करने के और एक भाई के निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब चन्नी के करीबी रिश्तेदारों ने भी बगावत का झंडा उठा लिया है। चन्नी के छोटे भाई मनोहर सिंह ने अपनी नौकरी चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी थी, लेकिन सिद्धू ने ऐसा दांव चला कि उनके भाई की नौकरी तो गई ही, कांग्रेस का टिकट भी नहीं मिला। अब डॉक्टर मनोहर सिंह अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार का भट्टा बिठाएंगे। ताजा मामला चन्नी के करीबी रिश्तेदार और तीन बार के विधायक मोहिंदर सिंह केपी का है, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि मोहिंदर सिंह केपी ने अभी तय नहीं किया कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसका फैसला वे अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के बाद करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि मोहिंदर सिंह केपी भी हरजोत सिंह कमल की तरह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तीन बार विधायक रहे पूर्व मंत्री मोहिंदर सिंह केपी ने टिकट न मिलने पर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मोहिंदर सिंह केपी का कहना है कि वह निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। मोहिंदर सिंह केपी ने कहा कि मेरे पिता दर्शन सिंह केपी के समय से हमारे परिवार ने 1967 से सभी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, मुझे इसमें कोई विराम नहीं चाहिए। डॉक्टर मनोहर सिंह ने हाल ही में कांग्रेस से बगावत की है और राजनीति में आने के लिए वे सरकारी नौकरी तक छोड़ चुके हैं। उन्हें बस्सी पठाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस में कुछ समय पहले ही शामिल हुए सुखजिंदर सिंह कोटली को आदमपुर से टिकट दिया गया। यहां से 2017 के विधानसभा चुनाव में केपी उम्मीदवार थे, जो शिरोमणि अकाली दल के पवन कुमार टीनू से हार गए थे। इस बार केपी अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र जलंधर पश्चिम से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस वहां से मौजूदा विधायक सुशील रिंकू को ही टिकट दे रही है। बस इसी से केपी ने बगावत का रास्ता चुन लिया। रिपोर्ट News of India.